हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और भाई और बहनों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला आया आप सभी के सामने कि कल के दिन 5 और 6 तारीख को आपका हरियाणा के अंदर एक बड़ी परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा था। हरियाणा के अंदर जो सीईटी का मेन्स का एग्जाम आप सभी का होने वाला था, उसको अब क्या होगा या नहीं होगा, उस भर्ती को रद्द किया जाएगा, किस प्रकार से क्या बड़ा अपडेट आया आपको मैं एक बार दिखाऊंगा बताऊंगा। कल जो भाई और बहन, आज हो गई है 4 तारीख, काफी लेट हो चुके हैं। अगर कोई भाई और बहन कल का एग्जाम देने पहुंच चुका अपने सेंटर पर, जिसका भी एग्जाम जहां भी था, तो उनको मैं बताना चाहूंगा अपना टाइम से रहते हुए सब घर के लिए वापस हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं होगा। लेटर जारी हो चुके हैं, एक सूचना के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर आप सीईटी के पेपर की जो तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी भाई और बहनों को हम बताना चाहेंगे कि आपका लंबे टाइम से सभी का जो इंतजार था वो बाकी रह गया था कि आप सुबह जो भी कल भाई और बहनों के लिए एडमिट कार्ड हरियाणा सरकार ने जारी किए थे कि 56 और 57 जो ग्रुप के आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए और 5 और 6 तारीख को आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपके बारी बार जो काफी लंबे टाइम से, क्योंकि आपका पता है कि हर डेट को हर एक घंटे में हरियाणा का जो फैसला है वो चेंज हो जाता है, कुछ भी आपका मान्य नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक घंटे के बाद कुछ रिपोर्ट आती है, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो सीईटी का तो मामला आप सभी के सामने आ ही गया है। तो भाई और बहनों, टाइम से रहते हुए अपनी लाइफ सेट करने का मामला एक ही है। अगर आपको कहीं अच्छे से जॉब मिलती है तो अपना सेट कर लीजिए, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको लगना है, कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाती है। अगर आपने कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रखा है जिसका आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है, आपने फॉर्म भर दिया, आगे आपको उसकी कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए आपके जो भी इश्यूज होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, उसका समाधान किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल हैरान होने की चीजें नहीं है, कुछ भी अपडेट्स नहीं समझ में आता है मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक अपडेट हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। तो सीईटी का जो पेपर आपका कल के दिन होना था 5 और 6 तारीख को, उसका एक अपडेट मैं आपको दिखाता हूं, जो आपका एक बड़ा सबूत है वो एक बार आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, ये फोटो मेरे भाई और बहन सबको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, यह दयाल सिंह कॉलेज है अपना करनाल के अंदर, उसके मेन गेट के बाहर पर चिपका रखा था ये पोस्टर है, ये पोस्टर लगा लीजिए, ये नोटिस लगा लीजिए, उसकी जो बाहर वाली दीवार है मेन फ्रंट पर, उसके ऊपर ये लेटर लगा दिया गया है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, जो आपकी जो आज का लेटर है 4/8/2023 का आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग नॉन वर्किंग डेज रहने वाला है एज पर HSSC पंचकुला डायरेक्शन, जो आपका रहने वाला डेटेड 4/8/2023 को HSSC के द्वारा 5/8 और 6/8 को जो पोस्टपोन्ड आपकी परीक्षा है वो फर्दर ऑर्डर्स के लिए पोस्टपोन्ड कर दी जा रही है। द कॉलेज विल बी द रिज्यूम द प्रीवियस नोटिस रिगार्डिंग 5/8/2023 के नॉन वर्किंग डेज है, स्टैंडर्ड आपका कैंसिल किया जा रहा है। तो भाई और बहनों, जो भी दयाल सिंह कॉलेज के अंदर पढ़ता है अपना, जो भी टीचर वगैरह है, सबको दोबारा से बुला लिया गया है कि आपका जो कॉलेज है जिस परीक्षा के लिए करवाया जा रहा था 5 और 6 तारीख को आपकी छुट्टी कर दी जा रही थी, वो कैंसिल हो गई है, दोबारा से कॉलेज में आप सभी को आना है, ये लेटर में लिखा गया है। ये लेटर आपके जो दयाल सिंह कॉलेज है करनाल के अंदर, उसकी दीवार पर फ्रंट पर चिपका रखा है, ये नोटिस बोर्ड के ऊपर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो 5 और 6 तारीख को सीईटी का जो पेपर होना था वो अभी फिलहाल में फर्दर ऑर्डर्स के लिए कैंसिल हो गया है, और उसके अंदर कोर्ट के अंदर जो आपको बताया जा रहा है स्टे लग चुकी है, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी एक बार नोटिस देख सकते हैं आप सभी, क्योंकि जो लेटर्स अपडेट आते हैं वो को कंटिन्यू बताते रहते हैं। ओके, ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी को सामने साफ साफ दिख रही होगी कि विद्यार्थियों को लगा है एक बड़ा झटका, HSSC जो सरकार के सुप्रीम जो कोर्ट है हाई कोर्ट हरियाणा का, सटे हटाने के लिए जो दलील लगाई गई है 5 और 6 तारीख को जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना था हरियाणा के लगभग 32,000 पदों के ऊपर 5 और 6 अगस्त को मेन्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पंजाब और हरियाणा जो कोर्ट है जो इस परीक्षा के ऊपर सटे लगा दिया गया है, इस मामले की जो अगली जो सुनवाई है
ही अर्जेंट अपील के लिए सुनवाई की जा रही है और आगे जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। परंतु अभी जो 5 और 6 तारीख को आपका जो एग्जाम होना था वो कैंसिल कर दिया गया है, ये 7 मिनट पहले की आपके सामने न्यूज रहने वाली है। पूरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम कल नहीं होगा, तो नहीं होगा भाई और बहनों। जो भी कहीं भाई जा चुका है अपने एग्जाम सेंटर पर, पहुंच चुका है, तो वो आपसे टाइम से अपना वापसी हो जाए, घर की साइड चल पड़े, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं होगा। और आगे कोई भी लेटर आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो अपना सोच समझ कर ही आगे घर से निकले, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के अंदर अपडेट चेंज होता है, टाइम नहीं लगता है, लेटर जारी होते हुए टाइम नहीं लगता है। आजकल तो ऐसा मामला बना दिया गया है कि कुछ भी चीजों का स्टैंड नहीं है, और जो भी लेटर आता है तुरंत 1-1 घंटे में लेटर चेंज हो जाता है। कल के दिन तक, आज के दिन तक आपका जो परीक्षा का शेड्यूल था कल के दिन जारी हो चुका था, पूरा मामला सेट हो चुका था, सभी जगह परीक्षा केंद्रों की जो छुट्टी थी वो करवा दी गई थी। परंतु अभी शाम को ये लेटर जारी हुआ कि आपका 5 और 6 तारीख को एग्जाम है वो रोक दिया गया है, किसी कारणवश स्टे लग गई है, और उसके ऊपर अगली जो सुनवाई आएगी वो आपको बताई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि भाई और बहनों, जो सीईटी की आपकी परीक्षा थी उसको हटा दी गई है, रद्द कर दी गई है, और जो परीक्षा है आगे जो भी शेड्यूल जारी होगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे, तुरंत आपको अपडेट करेंगे। तो अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जानकारी चाहिए, अगर कोई भर्ती की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आने वाले हर भर्ती के नोटिफिकेशन, चाहे कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, चाहे डीसी रेट जॉब्स आए, कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स आए, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई और बहनों आपसे वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए, उसी भर्ती की अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे और आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में, पूरा डिटेल्स के साथ में जानकारी देंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।